न्यायालय में वकालत कर रहे वकीलों को भवन न रहने से झोपड़पट्टी में रहकर करनी पड़ती है वकालत। निसार अंसारी सहित सारे वकील को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सर, समस्या क्या है यहाँ पे? समस्या है, अधिवक्ता लोगों को बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये फूस की झोपड़ी में, तपती दोपहरिया में या बरसात के मौसम में देखा जाए, हमारे पीछे नज़र आ रहा है तालाब सा बना हुआ है सीन। बैठने वाली जगह पर भी बरसात में पानी भर जाया करते हैं। वकील तो वकील, वकीलों की बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। वकीलों को गवर्नमेंट की ओर से बैठने के लिए कोई शेड नहीं दिया गया। ये गवर्नमेंट की ज़मीन है और हम सभी वकील अपने अपने खर्च पर यहाँ जो है कोई झोपड़ी डाल करके, कोई जो है ऐसे ही पेड़ के नीचे जो है अपना कुर्सी टेबल रख करके हम लोग बैठते हैं और न्यायिक कार्य करते हैं। सर, इस समस्या के समाधान के लिए आप लोगों ने किए प्रयास किए हैं? हाँ बिल्कुल, हम लोगों के जो अध्यक्ष और सेक्रेटरी होते हैं हमारे संघ के, वो लोग जो है बराबर वार्ता करते रहते हैं और सरकार के लेवल से इस समस्या पर, क्योंकि सरकार से बराबर आश्वासन मिलते रहता है लेकिन अभी तक जो है धरातल पर इसका कोई कार्य नहीं किया गया। सिर्फ आश्वासन मिलता है हर बार गवर्नमेंट की ओर से। लगभग 18 वर्ष से यहाँ हम वकालत का पेशा में हैं, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ है। सर, अब आप लोग क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि शेड बने ताकि हमारे अधिवक्ता गण सुरक्षित बैठें, हमारे जो वकील हैं वो सुरक्षित बैठें, अति कठिनाइयाँ की सामना न कर पाएँ, यही हम लोग की मांग है। ये मुद्दा इसलिए उठाए कि दूसरे की समस्याओं को निरंतर समाधान करने वाले अधिवक्ताओं की समस्या पे कोई ध्यान नहीं दी जा रही थी। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी हमारी इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए अरवल के DM श्री आलोक रंजन घोष जी के मोबाइल नंबर 94-314-76-637 पर कॉल कर दबाव बनाएं ताकि वकीलों को यहाँ पे भवन मुहैया हो सके और उनकी समस्याओं का हल हो। मैं SM जफर इकबाल, ग्राम अरवल, जिला अरवल, राजबिहार से इंडिया अनहट के लिए।